रंग के फूल पहने हैं, रंग होता है खास, पीले रंग के लिबास पहने जाते हैं। फिर ये कहा जाता था और माना जाता था कि मायों पे अगर कोई लड़की नहीं बैठती तो उसके ऊपर रूप नहीं आता, और जो ज़्यादा मायों के रस्में हैं उनको अच्छी तरह से करते हैं, वो जितना ज़्यादा अच्छी तरह से उन रस्मों को किया जाता है उतना ही ज़्यादा उस लड़की के चेहरे पर रूप आता है, निखार आता है, वो दुल्हन बनकर उतनी सुंदर, उतनी खूबसूरत, उतनी अच्छी लगती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इतना कुछ बदला जिसमें रस्में हमारी नहीं बदली, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करना अच्छी लगती हैं, और वो अच्छा लगना ही वो वजह है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने खूबसूरत से कपल की मायूं। वो खुद जितने प्यारे हैं उतनी ही हम कोशिश करेंगे आज हमारा ये प्रोग्राम भी हो, ताकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकें कि जो मायूं में की जाती हैं, और जो हम बहुत बाज़ुकात बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चते, खर्चना चाहते नहीं हैं, तो हम उनको कैसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और अपने घर के अंदर एक फेस्टिविटी, एक कलर, एक रौनक का सिलसिला जो है वो हम ला सकते हैं। महाराज ये सिलसिला हमारा जो है वो आज खूबसूरत अपनी रस्मों के साथ चलेगा, क्यों ना आपको मिलवाऊं मैं लड़की वालों से पहले। सो लड़की वालों की तरफ से सबसे पहले तैफूर खान। आप तो ऐसे शर्माते हुए हैं जैसे आप लड़की वाले नहीं बल्कि लड़का हैं। नहीं नहीं बस शर्माना चाहिए, मौका ऐसा मौका अपनी शादी याद आ गई। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा जी अब हम बुलाएंगे लड़के वालों की तरफ से, और लड़के वालों की तरफ से जो लड़का आ रहा है वो ऐसा कमाल है कि जो सबको उंगलियों पे नचा सकता है। सो वेलकम कीजिए साइम। एंट्री इसे कहते हैं एंट्री। क्या बात है लड़के वालों, दूल्हे वालों की तरफ से आए भाई, साइन की एंट्री थी। क्या बात है लड़के वालों, ऑफ कोर्स आप, लेकिन वो ट्यून चलना शुरू ही ना तो मैंने समझा शायद साइन ऐसे करके एंटर होगा। हाँ वो आप उसमें वो नकली मूछें लगा सकता था वैसे। लेकिन चले लड़की वालों में से और लोगों को बुलाएं। जी बिल्कुल ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हम अपनी पार्टी बुलाते हैं और आपकी पार्टी को बस पार्टी बाजी कर ली आपने आखिरकार। हाँ, पक्की पार्टी। पता कैसे लगे कि भाई लाहौरियों की पंजाबियों की शादी है। हाँ, मुकाबला भी होगा अभी तो। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, जीते हैं हम जीते। हारने के लिए रेडी अभी से हो जाए। अच्छा देखते हैं, लेट्स सी। सो प्लीज वेलकम, अब हमारी पार्टी में आप मिलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो साइम को हरा देगा। अरे नसीम विकी ठुमके का है आपके पास कोई जवाब? बस मैं कहता हूँ कि बहुत ही कोई गजबदार ठुमका। नहीं नहीं अगर जवाब है तो भी दे। नहीं जवाब मैं दूंगा आपको, टफ कंपटीशन, आपको जवाब दिया। नहीं साफ जवाब नहीं देना। ये गाना दोबारा लगाएं। अब साइम इस पे थोड़ा सा लड़के वालों की तरफ से। नहीं मेरी बात सुने, नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुने। एनर्जी अभी एक बड़ी धमाके खेज परफॉर्मेंस होने वाली है। होने मुझे पता होने वाली है। हाँ जी तो बस फिर आप उसका वेट करें ना। डर गए, डर गए। हाँ ये डर गए, ऑपोजिट पार्टी है ना। ऑपोजिट पार्टी, ओके। अच्छा जी लेकिन नईम आज मिला हुआ है लड़के वालों के साथ, सो उसने कुछ नाइंसाफी की है हम लड़की वालों के साथ। सो क्योंकि जो अब इनकी पार्टी में है ना उनका तो हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। तशरीफ लाती हैं दीदार। लड़के वालों बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी हैं आप? आप हमें हराने के, आप इधर आ जाएं। अरे लड़के वाले वही तो मैंने कहा है कि नईम ने आज बड़ी हमारे साथ बेईमानी की है ना। अब आप लड़की भी लेके जाएंगे और उसके साथ साथ हमें हरा के भी जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं जी नहीं जी अभी ऐसी सिर्फ लड़की लेके जा सकती है, हरा के नहीं जा सकती आप। हाँ चलिए देखेंगे, देखेंगे तो लोग हम तो करेंगे। अच्छा जी हमारी अगली जो मेहमान है वो सिर्फ ना शादी में आएंगी बल्कि वो जन्म कुंडली भी मिलाएंगी। वो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो ये जानते हैं कि कैसे सितारों का हाल होता है और कैसे जोड़े बनते हैं, विश्वास नहीं बताएंगे। हाँ इस्तकबाल कीजिए सामिया खान। आज मैंने पहली बार शादी वाला डांस देखा है।
سہارا انہوں نے لڑکے والوں کا لیا دیکھ رہے آپ ٹائم ہے اب اب کیا کرے نہیں اب ٹائم آپ نے کسی لڑکی والے کے ساتھ بس ٹھیک ہے میرے باس نے مجھے منع کر دیا نہیں تو آپ لوگوں کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ پھر آپ مانیے کہ آپ کو ہماری مدد چاہیے ہمیں آپ کی مدد بالکل چاہیے اچھا جی اب ہم لڑکے والوں کی پارٹی میں ایک اور ایسی پیاری سی مہمان کو بلانے جا رہے ہیں جو آج مائیوں کی اس رسم میں خاص طور پہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اروبا لے کر آئے تیرے ہاتھوں پہ کیسی مہندی کھلی ہے رنگوں سے چاہتوں کی ڈوری بندھی ہے نازوں پلی ہے میٹھی گڑ کی ڈلی ہے چمکی چنری کے نیچے دلہن چلی ہے داغ پیا جب ڈورے ڈالے من بھاگے توڑ کے تالے پیا جب ڈورے ڈالے من توڑے سب سنا کیسا ہے دیکھیے اب لگ رہا ہے شادی سٹارٹ ہوئی ہے بالکل 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 اپنا لڑکا سبھی کو اچھا لگتا ہے نا بالکل اچھا واقعی بالکل واہ آپ اس لڑکے کی بہت فین لگتے ہیں کیوں نہیں جی ہم لڑکے کی سائڈ سے ہیں اچھا لگتا ہے تو آپ نے بلایا ہے نا آپ لڑکے کی تعریفیں کر رہے ہیں آپ نے ایسی لڑکی ریئل لائف میں دیکھی ہے میگزین میں دیکھی ہوگی لڑکی پیاری تھی تو ہم نے رشتہ لیا نا بالکل صحیح اچھا تیری میری شروع ہو گئی ہے تو کیوں ہم اس کو ختم کرنے کے آئے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم مایوں کرنے آئے ہیں بالکل تو آپ کی طرف سے شروع کریں مقابلہ اچھا ہم رسموں کا آغاز نہیں کریں گے نہیں ہم رسم بعد میں کریں گے اچھا اچھا پہلے ہم آپ کی طرف سے مقابلے کا آغاز کریں مقابلے اچھا پہلے بھائی پہلے میں اپنے بھائی سے پوچھوں گا ہم ریڈی ہیں مقابلے کے لیے اور وہیں پہ محمد سے ملاقات ہوئی مگر یہ نہیں پتا تھا کہ آگے یہ اتنی پرولونگ ہو جائے گی کب پتا چلا کہ یہ ملاقات اب مستقل ہے کافی دیر میں پتا چلا اچھا اور کیسے مطلب محبت ہوئی کہ گھر والوں کو کے تھرو شادی ہوئی نہیں محبت تھی ساتھ میں یہ تھا کہ محبت تھی حالانکہ شادی جو ہوتی ہے لڑائی سے بات شروع ہوتی ہے شادی لڑائی ہو جائے تو بندہ کہتا ہے مستقل لڑیں گے نہیں ایکچولی میں ہماری اسٹوری میں تھوڑا سا ٹوسٹ ہے اچھا ہماری تھوڑی سی کوئی ارینج ہوتے ہوتے لو میرج ہو گئی ہے وہ کیسے ارینج ہوتے ہوتے فل لو میرج یہ محمد بتائیں گے محمد آپ بتائیں اس کے پہلے ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ کر رہے تھے کیا کہتے ہیں ارینج مینج ہو رہی تھی آپ دونوں کی ہاں ایوری بڈی واز اگریڈ اینڈ سم ہاؤ ایک دم سے گھر والے بولتے ہیں کہ میرے گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ہو سکتی وی ہیو تھاٹ سم تھنگ ایلس اباؤٹ یو اور لڑکی کو دیکھ لیا ہی نہیں ہاں اتنی ڈیٹیل میں کی جانی میری کہانی سننا مجھ سے سن لے اصل مزہ ہے ہی نہیں بیچارے کس طرح سے ایڈٹ کر کے بتا رہے ہیں مطلب ویوز چل نہیں گئی ہے ہاں تو وہ ڈیٹیل میں چاہ رہی ہر چیز ہاں ڈیٹیل میں پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ہوا کیا تھا وہ میں آپ کو بیہائنڈ دا کیمرہ بتا رہا بٹ ویل ان کو نہیں لگا کہ ہونا چاہیے پھر آئی واز لائک اوکے ہم ہاف ہارٹیڈلی ہو گیا مطلب اس ٹائم پہ تو ہو گیا پھر Although کیونکہ میں اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا ان کو تو ہماری بعد میں فرینڈ شپ ہو گئی ہاں وی یوزڈ ٹو ٹاک آن فون اینڈ گھر والوں کو نہیں پتہ انگیجمنٹ کے بعد نا جب وہ انگیجمنٹ ہو کے ٹوٹ گئی اچھا ابا نے پوچھا ہاں کس سے بات کر رہا ہوں میں ایسے کام دوست سے بات کر رہا ہوں کالج میں اسائنمنٹ بن رہی ہے وہ بٹ ٹکا دیا جھوٹ بوٹ اس کے بعد ایسا ایسا پھر ہمیں لگا کہ یار ہم سیریس ہو چکے ہیں کافی اچھے دوست بن گئے تھے پھر وہ دوستی کو ہم نے کہا کیسے تبدیل کریں وی وانٹیڈ ٹو مطلب یو نو گیٹ میرڈ سم ہاؤ آفٹر 3 years Yeah, we waited for like 3 years ke koi maan jaye. We were done with the studies, we were working like, good. Lekin maana koi nahi. Maine kaha yaar humne pata kya karte hain? Humne pehle kuch ban jate hain. Kya professionally kuch karte hain, acche khase paise waise kamate hain aur phir hame koi rokega nahi. Phir koi rokega nahi. Haan. Phir shaadi karni hai. Nahi, lekin phir eventually hame hum khud hi nahi ruke. Actually main basically ye tha ki main MBA kar rahi thi aur hum log aapas mein baat karte the, we developed some good understanding. Then meri job ho gayi, main bahar chali gayi. And it was a kind of little, you know, insecurity. Achha, yaar, ab udhar hai, idhar hai. Is tarah karte hain, let's get married, nikah kar lete hain. Duri honne zyada kareeb kar diya. So that, theek hai, tum apna kaam karte rahe. Ye kis situation thi, inki? Let's get married, ab phir hum baat karte hain. It was like mutual decision. Hello, hai. Mutual decision.
भाई और ऊपर से आप देखे ना कि बड़ा जबरदस्त डायलॉग है कि दूरी ने और नजदीक कर दिया, आपने रोशनी नहीं डाली उस डायलॉग। मैंने रोशनी पे पाबंदी डाली, मैंने रोशनी को जरा कैद कर दिया। लेकिन मेरा भाई बड़ा हम्बल हो रहा है, ये सिर्फ मॉडल नहीं है, पाकिस्तान के टॉप मॉडल, सुपर मॉडल और बहुत से एक्टर भी हैं। भाई मैं अपने भाई की तरफ हूँ ना, मैं वहाँ पे लड़की वालों स्पीक कर, हमारी लड़की किसी से कम नहीं है, आपको ले जाने पड़ेगी। आपको मॉडल को कितना नीचे आना पड़ा है, हमारी लड़की भी किसी नीचे नहीं आना पड़ा, सीढ़ी लगानी पड़ी, सीढ़ी लगानी पड़ी। ये होता है ऊंचे लोगों के साथ मिलने का। अच्छा वैसे सर आपने देखा लव मैरिज है, लव मैरिज शादी, लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज मैरिज? देखिए लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, एंड एक होता है, एंड एक ही होता है, उसका रिजल्ट एक ही निकलता है। उसमें ये होता है कि थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है, अगर आपने लव मैरिज किया तो घर वाले आपको कहते हैं आप लेके आए सानू को दस रहे हो। अगर घर वालों के कहने पे किया तो फिर घर वालों को वो कहता है कि आप लेकर आओ मुझे क्या कह रहे हो। इतना मैंने फेस किया ना, कितनी सच्ची बात है। आपको कौन से वाला पार्ट कहते हैं यार? आप लड़की वाली तुमने खुद से किया, जाओ मतलब कभी कभी मसला हो ही जाता है यार। दोनों चीजों में लड़की पूरी बन रही है, आप लड़की वालों की सही, मैं लड़की वालों की तरफ से, लड़की होती है बस। अगर शादी अरेंज हो या लव हो, होता कॉम्प्रोमाइज है, और एक दफा करके जरूर मजा चख लेना चाहिए, एक टाइम पीरियड के बाद दूसरी बार करेंगे मजा चख सकते हैं। नहीं नहीं, एक दफा ही। आई थिंक कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा, आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, कि आई थिंक किसी भी रिश्ते में, चाहे माँ हो चाहे बाप हो बहन भाई हो, उनमें मतलब इख्तलाफात और चीजें आती हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दो लोग जब इकट्ठे रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो जब मियां बीवी में आती हैं तो इंसान फील ज्यादा करता है, हालांकि बहन भाइयों में नहीं होता। मतलब 3 साल हो गए हम लोग हमारी शादी को, लेकिन मैंने जो सीखा है अपने इस रिलेशन से पहले और उसके बाद शादी के बाद, तो शादी और जो प्यार व्यार है ना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हम शायद यहाँ पे इस रीजन में ना मिक्स कर दें, इट्स अ डायलेमा हियर इन एशिया, कि हम इस चीज को ना मिक्स कर देते हैं। अभी मैं तेरे वो किया, धूप में खड़ा चलती लेके दांत तो नहीं खड़ा हो सकता यार। अब तो मुझे देखते ही नहीं हो, भाई देख लिया। आप मुझे बताएं, अब आप प्यार व्यार करते हैं कि शादी वादी है? अब दोनों चीजें चलती है, और बेटा भी अब तुम्हारा खुद ही कहा है अभी दोनों चीजें नहीं चलती। थोड़ी मोनोटोनी, नहीं मैंने कहा दोनों चीजें डिफरेंट है, हम प्यार को और शादी को मिक्स कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? जब अरेंज मैरिजेस होती है तो वो प्यार उनका होता नहीं है, वैसा डेवलप होता है। प्यार किसी और से करें, शादी किसी और से करें, मिक्स करने का मतलब ना, जब एकदम से प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना शादी के बाद, मतलब थोड़ा टाइम सा गुजारा, शादी थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी ऐड करती है एक्चुअली में, तो वो जो चार्म होता है ना, प्यार बदलता है शादी के बाद, लड़का या लड़की दोनों क्या करते हैं, बदल जाते हैं, इल्जाम लड़कियों पे आता है लेकिन बदलते दोनों जिंदगी बदल जाती है, प्राइवेसी बदल जाती है। एक चीज मैं इख्तलाफ करूंगा कि जो बीवी होती है ना, वो हस्बैंड को पहले दिन से कहना शुरू कर देती है आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, आप ये ना किया करें, आप वो ना किया करें, इस तरह आप अच्छे नहीं लगते, देखिए इस तरह बहुत बुरे लगते हैं। फिर 3 साल बाद खुद ही कहती है आप पहले जैसे नहीं रहे। तो लड़की वाले पर है तो लड़के ना, आदत से मजबूर। नहीं नहीं, हम लड़की के साथ आदत से मजबूर, हमारी जो लड़की है, हमारी जो लड़की है वो पावरफुल है माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको हाइट इतनी अच्छी दी है कि कहीं भी कुछ ज्यादा पावरफुल ना बनाए। पता लगा दुपट्टा उठाते हुए। नहीं आदत नहीं है नजर रखने की, कोशिश करती हूँ। कभी शक हुआ कि यार प्राइवेसी उड़ के बाहर जाती है घर से? शक की बात मैं बताता हूँ आपको, शक जो होता है ये जहेज में साथ जाता है, जहेज में साथ जाता है, लड़की लेके जाती है। कुछ भी हो जाए शक जरूर होता है, फोन करके बीवी यही पूछती कहाँ हो, मैं दोस्तों में, ये कौन से दोस्त आपके साथ ही रहते हैं, हेलो कहाँ हो, मैं ऑफिस में, ये ऑफिस सारे बंद हो गए आपका ही खुला अभी तक, हेलो कहाँ हो, मैं ट्रैफिक में, किसी पुलिस वाले से बात करो। ये देखिए अब आप इनकी चेयर यहाँ लगवा दें, इनकी चेयर अब यहाँ लग जानी चाहिए। देखिए ये भी बात है कि जब शक खत्म हो जाता है तो प्यार भी खत्म हो जाता है, शक नहीं खत्म होना चाहिए। ये देखिए ये लड़की बोली है, थोड़ा सा केयर होती है, एग्जैक्टली कुछ एक्स्ट्रा केयर होती है, जो पोजेसिवनेस है ये प्यार की नहीं है। काम की नोयत ऐसी है कि मेरी तरफ से ज्यादा ही हो जाता है, आपको शक नहीं, आपको पूरा यकीन होता है। सामिया जी, ये जो मोहम्मद शिकायत कर रहे हैं कि ज्यादा होता है, इसकी रीजन इनके सितारों में नजर आती है फराह, क्योंकि आप यकीन करें कि मोहम्मद इतना खुशकिस्मत है कि प्यार, ये नहीं कि मैं लड़की वाली हूँ, मेरी लड़की है, ये नहीं है, प्यार करने वाली है,
इवन घर संभालने वाली सुघड़ापा इस लड़की में बहुत ज्यादा है। बताया था आपको हमारी तबीयत है, देखा हमारी लड़की। और बल्कि जो मोहम्मद है इनसे हमारी लड़की को अगर कोई शिकायत हो सकती है तो मोहम्मद थोड़ा सा जरा फिनिकी सा मिजाज इसका होना चाहिए, तो ये थोड़ी सी हमारी लड़की को आपसे कंप्लेंट हो सकती है। लेकिन आपके लव स्टार्स मोहम्मद इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये आपको टूट के चाहती रहेगी। सामिया जी ये सिर्फ इन्हीं के लिए स्ट्रॉन्ग है कि पता चले और भी बहुत सारे लोग इन्हें टूट के चाहते रहेंगे। टूट के नहीं, ये टूट के चाहेंगी ना, वो टूट के चाहेंगे। अच्छा, ओके। जैसे भी चाहे हमेशा साथ रहे, टूटना लगे रहना चाहिए, हैपनिंग होती है ना लाइफ। आपने कहा इनके लव स्टार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है मोहम्मद, तो ये तो खतरनाक बात है ना। हमारी लड़की को थोड़ा सा ये इनसिक्योर रखेंगे, पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रखेंगे। भाइयों बाकी आपकी बात सही, इन दी एंड लड़के हैं बोलते उन्हीं की फेवर में, ये अपनी अपनी नहीं बदलते। अरे सामने जी कैसे पता चलता है, मतलब अब बाकी भी इतने सारे लोग हैं, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, ये क्या चीज होती है जन्म कुंडली और कैसे निकलती है? जो कंपेटेबिलिटी होती है ना, वो आदमी के जो लव स्टार्स हैं, आदमी क्यों टिक के नहीं एक जगह बैठता? हम तो मुझे तो नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो टिका हूँ भाई, लाइफ जा रहा है। क्योंकि आदमी की जो मोहब्बत के सितारे हैं वो मून और वीनस जो है इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो मून जो है ना वो सिर्फ एक घर में 52 घंटे रहता है, इनका जो है ना वो सन और मार्स जो बेचारे, मैं कहती हूँ कि जो स्टेबिलिटी वाले जो लव स्टार्स हैं, तो मर्ज है ना, इनकी इनकी गुट्ठी में कह दो कि वेरिएशन है, इनकी फितरत में वेरिएशन जो है, जो सितारा है वो टिकता ही नहीं है। नहीं, वेरिएशन तो समय जी मतलब लड़की में भी होती है, लड़की लड़की बेचारी। अगर आदमी अपनी बीवी से कहे मेरा बाहर कोई चक्कर नहीं है, तो कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे खानदान को, जानती हूँ तुम ऐसे टिक ही नहीं सकते। ठीक है, अगर कहे जी मेरा बाहर नहीं, अब मेरा बाहर है, तो फिर कह देगी नहीं बाहर है तुम्हारा, मैं ही थी जिसने तुम्हारे साथ गुजारा कर लिया। ये वेरिएशन नहीं तो क्या? अच्छा जी, कौन लड़की वाले या लड़के वाले? लड़के वाले, लड़की वाले, लड़की वाले, दोबारा दोबारा दोबारा, लड़के लड़के लड़के, आज यहाँ से लड़के ही जाओगे। मुझे बताएं लड़की नहीं, फरा देखे दूध का दूध लड़के वाले, फरा नहीं इतनी दफा नहीं, फरा बस अब नहीं, ये सब बिके हुए हैं, ये सब बिके हुए हैं, ये सब चीटिंग हो रही है। आ जाए आ जाए, आपके हम आगे जाके हम जीते, मुझे बताएं, मुझे बताएं चीटिंग हो रही है ना? नहीं चीटिंग आप कर रही हैं, हम पहले जाएंगे, हम जीते हुए लोग हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपके हक में वोट आया है यार, ऑफ कोर्स आना ही था। लड़के वाले वो कह रहे हैं कि ज्यादा ताकतवर, मुझे पहले ही पता था कि हमारी टीम जो है ना जरा कमजोर है, हमारी टीम कमजोर नहीं, हमारी ऑडियंस एक ही है। अब हम चाहेंगे इन्होंने इनसे कुछ सीखा कि हम खाया हुआ है, अपने दूल्हा दुल्हन को भी कहें कि थोड़ा सा डुएट डांस अगर दिखा दे तो अच्छी बात है। बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल सही, ये गलत बात है मोहम्मद। चलिए आप इनके साथ मिलके थोड़ा सा कोई कपल मॉडलिंग करके दिखा दें आप, हल्का सा थोड़ा सा कपल डांस हो जाए तो मजा आ जाएगा, थोड़ा सा तो बनता है ना भाई दूल्हा दुल्हन का। चले चले चले, आ जाए आ जाए आ जाए, ये तो आ जाए भी आ जाए, सही कोई अच्छा सा गाना।